दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं खिचड़ा, या जो हैदराबाद में बहुत फेमस हलीम के नाम से जाना जाता है। खिचड़ा और हलीम में बस यही मेन डिफरेंस होता है कि हलीम इतना पकाया जाता है कि मटन और दाल की प्यूरी टाइप हो जाती है, लेकिन खिचड़ा थोड़ा चंकी टाइप्स होता है। वो एकदम हलीम की तरह प्यूरी नहीं होता। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है, तो इसे तो बनाना बनता ही है। अगर आपको और ऐसी मज़ेदार रेसिपीज चाहिए तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। तो स्वागत है आपका शेफिंग विद एके में। सबसे पहले हमें यहाँ इन सब चीज़ों को एक बोल में मिक्स करके रखना होगा। यहाँ आप कोई भी दाल का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ तूर दाल, लाल मसूर दाल, चावल और उड़द दाल ली हुई है। ये हमें पूरा मिलाकर 1/4 किलो जितना लेना है। आप कोई भी रेशियो में इन सब दाल को भी ले सकते हो। और मैंने इसमें चावल की क्वांटिटी यहाँ सबसे कम रखी हुई है। और यहाँ मैंने 1/4 किलो हलीम वीट, या जिसे पील्ड वीट कहते हैं, उसके साथ एक बोल में इन सब चीजों को मिक्स करके रख दिया है। अगर आपको हलीम वीट ना मिले तो आप ब्रोकन वीट का भी यूज कर सकते हो। या हमें इन सब चीजों को मिलाकर ओवरनाइट सो करके रखना होगा। 8 से 9 हरी मिर्च, 6 से 7 लहसुन, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और 2 बड़ी चम्मच तेल। कुकर में मैंने पानी बॉईल करने रखा हुआ है। यहाँ हमने जो दाल और हलीम वीट लिया है उसे 3 गुना पानी लिया है मैंने। पानी में जैसे ही उबाल आ जाएगा हम इन सब चीज़ों को अंदर डाल देंगे। अदरक लहसुन को रफली चॉप करके, हरी मिर्च को रफली चॉप करके, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, तेल और जो हमने दाल, हलीम वीट और चावल को मिक्स करके रखा था वो डाल देंगे। इसे बस ऐसे इवन कर लेना है। यहाँ अंदर चम्मच मर डालिएगा और गैस का फ्लेम बंद करके कुकर का ढक्कन लगाकर इसे ओवरनाइट रख देंगे सोख होने। यहाँ मैंने अगली सुबह 1/4 किलो बोनलेस मटन लिया है और उसे कुकर में डाल दिया है, ये सोक्ड हुए दाल, हलीम वीट और चावल के साथ। अगर आपके पास बोनलेस मटन ना हो तो मटन को अलग से पकाकर इस खिचड़ा में यूज कर सकते हो, लेकिन फिर वो ग्राइंड नहीं कर सकोगे आप। अब इसमें मैंने 1 और आधी बड़ी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और स्वाद अनुसार नमक डाला हुआ है। इसमें फिर से 2 गुना पानी डालकर इसे मैंने गैस पर चढ़ा दिया था हाई फ्लेम पर 1 सीटी के लिए, और फिर फ्लेम को लो करके इसे और 20 से 25 मिनट तक पकाया था। तब तक मैं यहाँ बेरस्ता या ब्राउन अनियंस तैयार कर लूँगा। ये बिल्कुल ऐसे अच्छे गोल्डन ब्राउन कलर के होने चाहिए। अगर आप इसे ज़्यादा ब्राउन कर लोगे तो इस बेरस्ता में से कड़वा स्वाद आ सकता है। ये अब अच्छे से पक गया है तो इसे मैंने हैंड ग्राइंडर से ग्राइंड कर लिया है। ये मैंने बिल्कुल फाइन प्यूरे में ग्राइंड नहीं किया, कुछ ऐसा दिखना चाहिए। अगर आपके पास हैंड ग्राइंडर ना हो तो आप इसे मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हो। अभी हम खिचड़ा में तड़का लगा लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ 1 और आधी बड़ी चम्मच जीरा, 15 से 18 कटा हुआ लहसुन और 3 अदरक को ऐसे काट के रखा है। जिस तेल में हमने बिरस्ता या ब्राउन अनियंस फ्राई किया था, यहाँ मैंने उसमें से ही 4 बड़ी चम्मच जितना तेल लिया है। और इसके गर्म होते ही मैंने जीरा और लहसुन डाल दिया है। इसे अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे और इसमें मैंने 3 बेलीफ डाल दिया है। जैसे ही ये अच्छे से गोल्डन हो जाए इसे हम खिचड़ा में डाल देंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे और यहाँ मैंने 2 कप जितना पानी डाल दिया है। आप इसे कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा थिक ही खाने में मज़ा आता है। और याद रखिएगा, ये जब थोड़ा ठंडा होगा तो अपने आप और गाढ़ा हो जाएगा, तो उस हिसाब से ही आप कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लीजिएगा। अभी इसकी प्लेटिंग का टाइम हो गया है, तो सबसे पहले इस खिचड़ा को प्लेट में डाल देंगे। अभी बिल्कुल बीच में 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और जो जिंजर काट के रखा था यहाँ थोड़ा डाल दूंगा। अभी गैस पर एक छोटा बर्तन रखा हुआ है मैंने और उसमें 4 बड़ी चम्मच घी डाल दिया है। इसे गर्म होने देंगे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है और ये ही खिचड़ा में असली स्वाद लाता है। इस घी को तब तक गर्म करेंगे जब तक इसमें से ऐसा धुआं नहीं निकलने लगता। जैसे ही ये ऐसा एकदम गर्म हो जाए और इसमें से धुआं निकलने लगे तो इसे तुरंत इस खिचड़े के ऊपर डाल देंगे। अभी बस इस पर पुदीना डालेंगे और अच्छी क्वांटिटी बेरस्ता या ब्राउन अनियंस डालेंगे और नींबू डाल देंगे। और ये आपका बिल्कुल स्वादिष्ट खिचड़ा या हलीम तैयार है। इसे आप ऐसे ही खा सकते हो, या चाहो तो रोटी या नान के साथ भी खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो बनाइए इसे और मज़ा लीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए
शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल शेफिंग विद एके को।